अनवारुल हक, ये सुखदेव पासवान, ये जो नेता लोग जो सेक्स रैकेटर लोग हैं, ये जो फॉर्म देख करके होम मिनिस्टर बन जाते हैं, ये जो जेल में ऐशो आराम बाबा लोग जो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, आप उन लोगों को जो लगातार जिसके चलते आज समाज में आप जनतंत्र की रक्षा की कसम खाते हैं, संविधान के रक्षा की कसम खाते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप हमको जरा सा बताइए। तो ये समाज में यदि नजीर पेश करना है तो सेंगर टाइप के लोग, अभी लोग तो दल से भी बाहर नहीं निकालता है, ये बलात्कारी सबको दल में रखा हुआ। बिहार में भी दो घटनाएं हुई, दो घटना नहीं है। पहले आपको मैं बता दूं कि अभी कल उन्नाव में घटना घटी, जला दिया, दो जेल से निकला बलात्कार करके जला दिया, आजमगढ़ में हुआ, बक्सर में हुआ, समस्तीपुर में हुआ, मोहनिया में हुआ, आपको राजगीर में सेक्स करके वीडियो वायरल कर दिया गया, उनको दमाद की तरह आप जेल में क्यों रखे हुए, उनको कुछ दिन के अंदर फांसी की सजा दो और आप कानून बनाओ कि जो प्रमाण के साथ वीडियो जिसका वायरल है जो दिख रहा है उसको एक सप्ताह से ज्यादा कोई मरम्मत नहीं, या तो फांसी या तो इनकॉन्फेंट, साफ शब्दों में ये आप अपील करने का इनके पास रास्ता नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रपति के पास बलात्कारियों का कोई मर्सी नहीं भैया, कुछ कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है, ना स्कूल में, ना पड़ोसी से, ना रिश्तेदारों से। सर आप क्या करोगे, डर नाम की चीज नहीं रही। ये जेल में जो राजगीर में है, मैंने कहा कि यदि ऐसे लोगों को कोई, राजगीर में 11 लड़के ने बलात्कार किया था, अभी झारखंड में एक बच्ची को किडनैप करके सारे दोस्तों को फोन पे बुला करके बलात्कार किया गया, अभी मोहनिया में बलात्कार हुआ, तो सर आप ऐसे लोगों को जेल में क्यों रख रहे हो, शूट एंड साइड करो। पहले तो आपका इन्वेस्टिगेशन बिहार में सही नहीं है, और न ही एक भी आप यहाँ की सरकार क्या करती है, ये बलात्कार का केस नहीं हो इसके लिए मेडिकल जो उसका टेस्ट है वही बर्बाद कर देता है, नहीं आने देता है। तो यहाँ के पदाधिकारी पुलिस सीखेंगे हैदराबाद से। मतलब आप सवाल उठा रहे हैं कि जांच में भी और बलात्कार की घटनाओं को दबाने की भी कोशिश करती है पुलिस, इसमें कोई बहस है क्या? 2 लाख बलात्कार हुए साल में, 35,000 मात्र इन्वेस्टिगेशन हो पाया और उसमें भी सही मेडिकल टेस्ट नहीं आ पाए हैं। बिहार में तो लगभग पुलिस थाना में बलात्कार के केस लिखे ही नहीं जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, मजे ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी सब। क्या यहाँ की पुलिस सीखेगी हैदराबाद से, जो राजगीर के बलात्कारियों को मार देगा, पांचों को 5 लाख रुपया हम इनाम देंगे। हमने तो उनको कह दिया जाएंगे हैदराबाद, अब वहां की पुलिस जो जो इनकाउंटर में होगी 50,000 रुपया हम इनाम देंगे। अब बच्ची को आप सुरक्षा चाहते हैं तो पहले जो सिस्टम चलाता है नेता पदाधिकारी, इससे बचाइए, पॉर्न से बचाइए। ये जो विधानसभा में पॉर्न देखेंगे हमारे नेता तो कहां जाएंगे? बड़ा सवाल है कि कई राजनीतिक दल जो हैं और कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, एनकाउंटर गलत है और एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है। एनकाउंटर पर सवाल उठाया जा सकता है, नियत पे सवाल नहीं उठा जाएगी। कौन राजनीतिक पार्टी है कि हम हमें सब नंगा होगा, सब हड्डुक्का सब होगा, कौन है राजनीतिक पार्टी? सब वही धंधा करता होगा, चुदुर बुदुर में इस कर्मुस में तो है, ऊपर से नीचा ये लोग वही धंधा तो करता है। ये लोग बगैर मासूम बच्ची के, बिना औरत के, इन लोगों को नेताओं को, लगभग नेताओं को रहने की आदत है क्या? क्या बात आप करते हैं, हमने तो कहा पहले इन नेताओं को शूट एंड साइड करिए, जिसका डायरेक्ट है सेंगर, चिन्मय आनंद, इनको क्यों नहीं? क्या जोगी जी चिन्मय आनंद और सेंगर का यहाँ जो बलात्कार केस में फंसे हुए हैं अरुण यादव टाइप के लोगों का इनकाउंटर होगा? मैं चुनौती देता हूँ, नहीं तो पप्पू यादव बोले और इनकाउंटर अभी करके दिखाते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा नमस्कार।